प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत इंडियन स्वच्छता लीग का नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने नौकायन पर सफाई करके शुभारंभ किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नौकायन पर स्वच्छता लीग के तहत सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया है। गोरखपुर स्वच्छता लीग में गोरखपुर ज्वाइंट के नाम से भाग ले रहे हैं, जिसमें शहर के युवा, एनसीसी छात्र व छात्राएं भाग ले रही हैं। हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन से गांधी जयंती तक ऐसा सफाई अभियान चलाया जाए जिससे पूरे देश में गोरखपुर सफाई में नंबर एक पर रहे। अगले 15 दिनों तक प्लास्टिक के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा जिससे प्लास्टिक मुक्त गोरखपुर बन सके। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, लेखाधिकारी रवि सिंह, सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर मणिभूषण तिवारी, अविनाश प्रताप सिंह, कर्नल सीपी सिंह, जोनल अधिकारी, सफाई निरीक्षक एवं सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह एवं सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर मणिभूषण तिवारी और कर्नल सीपी सिंह ने कहा, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बच्चे झूठी बोलेंगे, फौजी हैं और फौजी कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इसका झूठ बोला होगा साहब, खोल के रखा है ना, बिल्कुल किया होगा, झूठ नहीं बोलेंगे बच्चे। इसको कवर करना पूरा सभी को और उनको भी कवर करना, अपने जो अपने भाई बहन हमारे हो गया था। आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के मौके पर, जो एक स्वच्छता के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था और देश को स्वच्छ रखने की एक मुहिम चलाई थी, उसी की आज परिणति है कि जो हम लोग एक स्वच्छता लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारी टीम का नाम है गोरखपुर जॉइंट टीम। इसमें हम सभी लोग शामिल हैं, जितने हमारे गोरखपुर के स्टूडेंट्स हैं, हमारे युवा हैं, चाहे बॉयज हों चाहे गर्ल्स हों, सभी लोग, और हम सब लोग को मिलकर हमारी लड़ाई गार्बेज के साथ है। हमको गार्बेज फ्री गोरखपुर बनाना है और पूरे देश में जो अभी स्वच्छ सर्वेक्षण होने जा रहा है उसमें भी, और जो स्वच्छता लीग हो रही है उसमें भी हम लोगों को टॉप में आना है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब आप लोग यहाँ से जाओ, इस मैसेज को वेरी लाउड एंड क्लियर आप लोग को पूरी सोसाइटी में, खासतौर से अपने घर पे, अपने अगल बगल में सबको बताना होगा कि क्यों हम लोगों को इस स्वच्छता के लिए काम करना है। डॉक्टर मणिभूषण तिवारी, सहायक नगर आयुक्त ऑब्लिक्स SBM नोडल। जागरूकता अभियान भारत सरकार के द्वारा हुआ, जो शहरी आवासन मंत्रालय के द्वारा जो चलाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में, भारत अगेंस्ट गार्बेज, पूरे भारत में गार्बेज के खिलाफ एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है। पूरे भारत के शहरों में यह कार्यक्रम चल रहा है। गोरखपुर नगर निगम भी गार्बेज के खिलाफ इस अभियान में पूरे तरह से तैयारी है और गोरखपुर जाइंट्स के नाम से हमारी टीम प्रतिभाग कर रही है। लगभग 1800 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडी इसमें प्रतिभाग कर रही है, जिसमें गोरखपुर के युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों, NCC, NSS और आम जनता की सहभागिता को लेते हुए यह कार्यक्रम का आयोजन करना है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शहरों के अंदर जो भी पर्यटन स्थल है, जो भी नदी के किनारे हैं, तालाब हैं, जो भी दर्शनीय स्थल है, धार्मिक स्थल है, रेलवे स्टेशन है, सार्वजनिक स्थलों से गार्बेज को पूरे तरह से खत्म करना है। गार्बेज के खिलाफ गोरखपुर यह अभियान चल रहा है, जिसकी शुरुआत आज यहाँ नौका विहार से शुरू हो रही है। इसके साथ ही साथ गोरखनाथ मंदिर और रेलवे स्टेशन से भी इस अभियान की आज शुरुआत हम लोग करेंगे।
जिसका उद्देश्य है कि गोरखपुर को पूरी तरह से गार्बेज से मुक्त किया जाए और गार्बेज के खिलाफ एक बृहद अभियान चलाया जाए, जिसमें जन सहभागिता की महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उनको भी शामिल करते हुए इस अभियान को सफल बनाना है। कार्यक्रम जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया है, तो हमें एक ये टास्क मिला था कि कैसे यूथ को हम कैप्चर करें, और यूथ जब तक नहीं जानेगा तो जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं, हमें हमारा काम है उसको पास ऑन करना। ये बहुत बेहद अच्छा कार्यक्रम अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि यूथ अगेंस्ट गार्बेज, गोरखपुर अगेंस्ट गार्बेज। आए दिन मैं परिवर्तन दल से मेरी टीम और हम लोग मिल के ये अभियान चलाते रहते हैं। लोगों की आदत बहुत गंदी पड़ चुकी थी पुरानी, उसको सुधार रहे हैं धीमे धीमे, और वो 3 साल में देखा है काफ़ी सुधार आया है। अभी भी सुधार की बड़ी बहुत गुंजाइश है। रीज़न क्या होते हैं, बच्चे, खासतौर से बच्चे, इसी लिहाज हम लोगों ने NCC के बच्चों को एकत्र किया है। करीब 400 NCC के बच्चे हैं, विभिन्न बटालियन से हमारे आए हैं। यहाँ के जो कमांडर हैं ब्रिगेडियर रावत साहब, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप मेरे को 400 बच्चे दीजिए, और जिससे इनको इनके माध्यम से हम एक संदेश दें। तो उसी के तहत आज हमारे जीसीओ साहबान हैं, सारे बटालियंस के साहब इधर आओ, आ जाओ। तो ये अपने थापा चंद्रशेखर, चंद्रकिशोर राय, क्या नाम है साहब आपका पूरा? चंद्रकिशोर राय। चंद्रकिशोर राय हैं साहब हमारे साथ, तिवारी साहब हैं, ये अपने दैया साहब हैं, हमारे ETF के हमारे टीम लीडर्स हैं अशोक सिंह साहब हैं, SP शर्मा हैं, राधा हमारे सीनियर जो से राधाकांत पांडे हैं, स्कॉट कमांडर OP सिंह हैं, और हम लोग सब मिल के सफाई कर्मियों से एक संकल्प ले रहे हैं कि आज के बाद से शहर में गार्बेज दिखना नहीं चाहिए। तो जो चीज़ें हमने इनको बताई है वो ये सीखेंगे, और आगे जाके अपने जहाँ पे ये रहते हैं अपने स्कूल में अपने कॉलेजेस को वहाँ स्वच्छ रखेंगे, जिस गली मोहल्ले में रहते हैं वहाँ इन चीज़ों को बताएंगे। जैसे जैसे ये अभियान आगे चलेगा, ये 2 अक्टूबर तक चलना है, गांधी जयंती तक, हमें लगता है कि इस अभियान के चलाने के बाद ये गोरखपुर बहुत अच्छा साफ और अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये सबकी भागीदारी है। जब तक सबकी सहभागिता नहीं होगी, हम लोग उस मिशन को कामयाब नहीं होंगे। तो जो गांधी जी का सपना है वो जरूर साकार होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो बीड़ा उठाया, और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बीड़ा उठाया कि हमारा शहर इतना साफ रहे कि हम अमेरिका जो आज अपने को बोलता है कि मैं बहुत साफ कंट्री हूँ, हम उससे अच्छे बने जो हम थे पहले, हैं और रहेंगे। जय हिंद। देखिए, आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के वर्षगांठ के मौके पर, जन्म दिवस के मौके पर, आज पूरा नगर निगम यहाँ पर एकत्र हुआ है नौकायन पर, और हम सभी लोग यहाँ पर एक जो स्वच्छता की लीग 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक चलेगी, उसमें आज उसका शुभारंभ करने हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। गोरखपुर भी इस स्वच्छता लीग में गोरखपुर जायंट्स के नाम से पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसमें हमारे पूरे शहर के जितने युवा हैं, जो हमारे युवा छात्र और छात्राएं हैं, जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, मतलब अन्य जो भी लोग हैं, पूरे शहर के जो लोग हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम सबका उद्देश्य ये है कि हम गोरखपुर में इन 15 दिनों में इतनी ज़बरदस्त सफाई का एक मुजाहिरा पेश करें, एक दृष्टांत पेश करें, कि जिससे कि हमारे गोरखपुर नगर निगम को पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में नंबर 1 आने का मौका मिले। और इसके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर पूरा जो एक प्लास्टिक के खिलाफ एक प्लास्टिक फ्री गोरखपुर का हमने एक जो कैंपेन चलाया हुआ है उसको और तेज़ी पकड़ाएंगे। इसके साथ साथ जो जगह जगह पे लोग जो प्लास्टिक के बोतल से या जो आजकल चाय पीने वाले प्लास्टिक के कप हैं उसको छोड़ देते हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग उसकी पिकिंग करेंगे, उसको उठा के यहाँ सर ले जाएंगे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे गोरखपुर में एक अनूठी हम लोग एक अभिनव प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक करना। अभी आप देख भी रहे हो कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे NCC के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, NCC के कैडेट्स हैं, वो हमारे साथ हैं, जो लगातार इस तरह के कार्यक्रमों में हम लोग का साथ देते हैं। और ये जब अपने घरों में जाएंगे, घर में अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को बताएंगे कि जो घर में उनका जो कूड़ा है उसको अलग अलग रखें, गीले कूड़े को अलग रखें, सूखे कूड़े को अलग रखें, और जैसे ही हमारी गाड़ी डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ी वहाँ पर आती है, उस कूड़े को उसके अलग अलग बने हुए कंपार्टमेंट में उसको डाल दें। और निश्चित रूप से जब इस प्रकार का पूरी तरह से गोरखपुर नगर निगम के सारे क्षेत्र में होने लगेगा, तो जो प्राइमरी सोर्स पे जो हम अटैक कर रहे हैं, तो कोई भी कूड़ा घर से सीधे गाड़ी पे आएगा, सड़क पे नहीं आएगा, तो हमारी दूसरी तरफ रोड पे जो गंदगी दिखती है वो भी बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। तो आज मेरा सभी लोगों से ये अपील है कि गोरखपुर जो इसमें आपका गोरखपुर जायंट्स जो इस स्वच्छता लीग में भाग ले रहा है, अगर हम सब लोग प्रयास करेंगे, मिलकर प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में भी हम लोग टॉप 10 में निश्चित रूप से आएंगे।